हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल पे सविता ट्यूटोरियल्स में। और मैं सविता शर्मा, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज किए मैंने DC 1 बुक से। जैसे कि आपके एग्ज़ाम अब जून मंथ में होने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सब स्टार्ट करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किया है मैंने। इस क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप डेफिनेटली समझे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन। और तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे DC से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोज़ मिलती रहेगी, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड हो, असाइनमेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन है, गर्भ के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, तो गर्भ के बाद, क्वेश्चन को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें। गर्भ के बाद विकास, गर्भ के बाद विकास मतलब जैसे कि गर्भधारण हो जाता है, उसके बाद शिशु का जो विकास हो रहा है अंदर भ्रूण का, उसकी विभिन्न अवस्थाएं बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें हम देंगे कि जो प्रसव पूर्व विकास है गर्भधारण के समय आरंभ हो जाता है। ठीक है, प्रसव मतलब जैसे डिलीवरी से पहले ही विकास, गर्भावस्था में भ्रूण का विकास हो जाता है। और गर्भ के बाद विकास की 3 अवस्थाएं पहली बताई गई है। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं। तो गर्भ के बाद विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले है आपका युग्मनस की अवधि। ठीक है, युग्मनस की अवधि सबसे पहला, जो जिसको हम बोलेंगे कि अंदर जो सबसे पहला कोशिका होती है उसको युग्मनस बोलेंगे, और वो है आपका गर्भ से 2 सप्ताह तक। ठीक है, गर्भ से टाइम पीरियड भी बताना है आपने पूरा ना, क्योंकि अवस्थाएं दे रहे हैं हम इसमें। तो गर्भ से लेकर जैसे गर्भ धारण होता है 2 सप्ताह तक युग्मनस की अवधि रहेगी। ठीक है, तो युग्मनस क्या है? सबसे पहली कोशिका जो बनती है बच्चे की, शिशु की। ठीक है, इसमें गर्भाधान के लगभग 6 दिन के बाद, जैसे गर्भाधान होता है उसके 6 दिन के बाद युग्मनस की कोशिकाएं चिपचिपी होती है और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है। देखो, हमने पूरा अवस्थाएं बतानी है शुरू से। और इससे लगभग 1 सप्ताह पश्चात, ठीक है, इसके लगभग 1 सप्ताह पश्चात युग्मनस गर्भाशय में समा जाता है। 1 सप्ताह पश्चात, 1 वीक के बाद गर्भाशय में समा जाता है और माता के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। जब तक स्त्री को अपने गर्भवती होने की आशंका होती है, जब तक उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है, ठीक है, तब तक प्रसव पूर्व विकास अंदर शुरू भी हो चुका होता है बच्चे का। ठीक है, तो गर्भाधान के साथ ही सही अर्थों में मानव जीवन का आरंभ हो जाता है। तो जैसे ही प्रोसेस शुरू होता है अंदर गर्भाधान का, युग्मनस का, वैसे ही मानव जीवन का जो है जीवन का विकास शुरू हो जाता है। ये नहीं कि वो 3 महीने बाद उसमें जीवन आएगा, 4 महीने बाद, नहीं, उसी टाइम एट दैट वेरी मोमेंट जो है जीवन, लाइफ जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इवन उसको पता भी नहीं होता गर्भवती महिला को, जब पता चलता है फर्स्ट मंथ में, उससे पहले ही जीवन स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये हमने पहली अवस्था देनी है। उसके बाद है एम्ब्रॉय की अवधि, ये 3रे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक है। ठीक है, तीसरे थर्ड वीक से लेकर 8th वीक तक ये एम्ब्रॉय की अवधि है। तो इसमें हम देंगे एम्ब्रॉय कहेंगे उसको, अब युग्मनस नहीं कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय। इस अवधि में सभी मुख्य बाहरी और आंतरिक संरचनाएं बनती है। तो देखो, जो युग्मनस है, जो एम्ब्रॉय है, उसका कोशिकाएं बननी स्टार्ट हो गई है, बाहरी और आंतरिक। 3रे सप्ताह में आंतरिक कोशिका समूह 3 विभिन्न जैविक परतों में विभाजित हो जाते हैं। जैविक मतलब जो हमारा शारीरिक, जो बच्चे का शारीरिक ढांचा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है उसका शरीर। जैविक से मतलब शरीर से लेना है आपने। आंतरिक कोशिकाएं, ठीक है, आंतरिक कोशिकाएं आंतरिक अंगों और ग्रंथियों में विकसित होती है। आंतरिक जो उसकी कोशिकाएं, वो आंतरिक ग्रंथ बन जाते हैं, उसके आंतरिक अंग बन जाते हैं। ठीक है, और बाहरी कोशिकाएं जो है वो संवेदनशील शारीरिक अंग बनते हैं। जैसे कि संवेदनशील शारीरिक अंग बाहरी जो हो गए, कान हो गया, त्वचा हो गई उसकी, और बाल हो गए। ठीक है, तीसरी कोशिका आंतरिक, और अब 2 कोशिकाएं हो गई, आंतरिक और बाहरी। ठीक है, तीसरी कोशिका आंतरिक और बाहरी परतों के बीच उत्पन्न होती है, और
जिसको हम जो शिशु के जो यौन अंग है उसका निर्माण करती है। लगभग चौथे सप्ताह के पश्चात कोशिकाओं पर या इनके विकास पर बाहरी वातावरण का प्रभाव आरंभ हो जाता है। देखो, फोर्थ वीक से मतलब 1 मंथ का अब एम्ब्रॉय हो गया है, और उसको अब बाहरी वातावरण जो भी उसका माता के साथ हो रहा है वो सारा का सारा उसका प्रभाव उस पर खाने पीने का सब कुछ चीज़ों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। यह अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एम्ब्रॉय का शरीर 5वें सप्ताह से भी कम समय में बदलने लगता है। 5 सप्ताह हो गए, अब उसका शरीर बिल्कुल चेंज होने लगा है, और मस्तिष्क और हृदय का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। सबसे ज़्यादा देखो, बच्चा जब एम्ब्रॉय होता है, शिशु होता है, ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा मस्तिष्क जो है सबसे पहले डेवलप होता है। अब ऊपरी अंग का रूप लेने लगते हैं, और 6वें सप्ताह में सिर तेजी से बढ़ता है और उंगलियाँ, कलाई आदि की बनावट दिखाई देती है। 6वें सप्ताह में उंगलियां, ये सब कलाई, ये सब बनना शुरू हो जाता है। तो कितने अच्छे से इजीली मैंने इसको रखने की कोशिश की है ताकि आप इसको अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके, और जब आपको अंडरस्टैंड होगा तो आप उसको एज इट इज लिख भी सकते हो। ये नहीं कि फिर रट्टा लगाने की या लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, आपको आप आराम से इसको लिख सकते हो। और तीसरी है आपकी भ्रूण की अवधि। अब भ्रूण आ गया, ठीक है, 9वें सप्ताह से लेकर 38वें सप्ताह तक, ये है 9वें सप्ताह से लेकर 38वें सप्ताह तक। इस अवधि में पूरा आपने दे देना है कि इस अवधि में जो भ्रूण पहले से ही बने अंग, अब हमने देखा कि अभी तक उसके सारे अंग बन चुके हैं, ठीक है, भ्रूण के, तो अब जो बने हुए अंग है वो विकसित होने लगते हैं, ठीक है, अब उनका विकास होने लगता है इस अवधि में, तथा इनका आकार और वजन में वृद्धि होती है। जो भी चीज़ बन चुकी है उसका आकार बढ़ता जाता है और उसका वजन बढ़ता जाता है। इस अवधि में भ्रूण में व्यापक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बाहरी परिवर्तन में भ्रूण का सिर बनता है, भ्रूण की आँखें सिर के किनारे के सामने से मतलब जो आँखें होती है वो किनारे से सामने की तरफ, जैसे इंसानों के सामने आँखें होती तो वह आँखें सामने आ जाती है ना, इस तरह से 4वें महीने तक उंगलियां, नाखून नजर आ जाते हैं और सिर पर बाल भी आ जाते हैं। तो इस तरह से देना है अपने पूरा। आंतरिक अंगों में वृद्धि शुरू हो जाती है और 3रे महीने के बाद मस्तिष्क की बुनियादी संरचना बन जाती है। आंतरिक अंगों में फिर इसके बाद वृद्धि शुरू हो जाती है और 3रे महीने के बाद मस्तिष्क की बुनियादी संरचना भी बन जाती है, जैसे कि सोचना, सुनना आदि, ठीक है, इस तरह से। आप यहाँ पर भ्रूण का चित्र भी दे सकते हैं। डायग्राम बनाने से अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जहाँ पर हो सके इफ पॉसिबल तो डायग्राम्स बना सकते हैं। इस तरह से लास्ट में आपने निष्कर्ष देना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भाधारण के पश्चात से लेकर शिशु जन्म तक भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गर्भाधारण जैसे ही शुरू होता है, शिशु जन्म तक भ्रूण जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और जो युग्मनस पहले हफ्ते में, अब जैसे हमने पहले देखा कि पहले युग्मनस था वो 0 इंच का था, और 3रे महीने तक यह इसका विकास आश्चर्य तक बढ़ जाता है और आकार 2 इंच तक बढ़ जाता है 3रे हफ्ते में, और तथा गर्भधारण के 266 दिन बाद भ्रूण का वजन 7 से 8 पाउंड तक, लंबाई 20 इंच तक हो जाती है। तो ये इसकी विभिन्न अवस्थाएं हमने इसमें निष्कर्ष में बता दी है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।